एमआरटी में आ गए, यहाँ से हम वाराणसी में जा रहे हैं क्योंकि मैं खड़ा हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है। वैसे अगर आप बैठे हों तो आपको महसूस नहीं होता, क्योंकि शहर के अंदर इसको फैसिलिटेट करने के लिए इन्होंने कुछ जगहों पे ओवरहेड है, कुछ जगहों पे ये अंडरग्राउंड है, उस हिसाब से जब आप खड़े हों तो आपको एहसास होता है, अगर आप बैठे हों तो कमी एहसास होता है। क्या असेंडिंग है या डिसेंडिंग? तो अभी मैं जहाँ से बैठा था वो तकरीबन 2 से 3 स्टोरी ऊपर था, अभी मैं आगे निकलने की कोशिश करता हूँ। तो ये है कि थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि ट्रेन के साथ साथ थोड़ा बंदा आसानी है। यहाँ पे सफ़र की बहुत ज़्यादा सहूलियात हैं, यहाँ की हुकूमत ने यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की आवाम के लिए बहुत अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है। तो उसमें आप जो है ना आसानी के साथ सफ़र कर सकते हैं। तो इस आसानी के सफ़र में हम भी इनके साथ साथ कोशिश करते हैं कि आपको मैं इसके स्टार्ट की तरफ ले जाऊं, जहां से मैंने वाराणसी जाना है। वाराणसी से मैं गाड़ी चेंज करूंगा, वहां से मैं दूसरी गाड़ी में बैठूँगा। तो वहां तक पहुंचते पहुंचते मैं कोशिश कर रहा हूं कि आगे चला जाऊं, ताकि मुझे उतरते हुए परेशानी ना हो, क्योंकि यहां पे सफ़र की सहूलियात में इस वक्त जो आप सफ़र कर रहे हैं ना इतनी रश नहीं होगी, लेकिन 5 से 6 बजे के दौरान, 7 बजे के दौरान ये जो आप ट्रेन देख रहे हैं ये बिल्कुल खाली नहीं होती, एक बंदा घुसने की जगह नहीं होती। तो बड़ी मुश्किल से जगह बनानी पड़ती है। अभी तो हम बड़ी आसानी के साथ सवार हो गए, तो बारिश भी लगी हुई है, देखते हैं वाराणसी नहीं पहुँचते तक बारिश क्या सूरत हाल करती है। क्योंकि ये आप कुछ नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे मेरे सर के ऊपर, ये ब्राइटनेस की वजह से थोड़ा सा नज़र नहीं आता, लेकिन आपको देखना पड़ेगा ऐसी सब जो अंदर लोग मौजूद हैं। बाहर वैसे भी बारिश है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अच्छी खासी ठंड है। तो इस ठंड में बैठे हुए हैं ये लोग, कुछ लोगों को ज़्यादा ठंड लगती है, लोग जैकेट शैकेट पहन लेते हैं, स्वेटर भी रखी होती है लोगों ने, तो वो अपने बंदोबस्त को साफ रखते हैं। यहाँ अक्सर आप लोगों को देखेंगे कि जैकेट और स्वेटर पहन रखी होती है। यहाँ का मौसम ऐसे सर्द नहीं है, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, कभी कभार इतनी ठंड हो जाती है कि आपके लिए उस ठंड को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। पर लोकल लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कि उन्होंने अपने साथ अपनी चीज़ें रखी होती हैं सारी, स्वेटर जैकेट कुछ ना कुछ बंदोबस्त रखा होता है। हम भी परदेसी थोड़ा सा कभी कभार कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली हम मुफ्ते के चक्कर में होते हैं, तो मुफ्ता यहाँ पे कम कम होता है। चलें बहरहाल आपको वाराणसी नहीं पहुँच के दोबारा मैं अगर रिज्यूम करता हूँ। ओके बाय।